नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्वांशी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही कॉमन सी समस्या पे बात कर रहे हैं, ओबेसिटी के साइड इफेक्ट। मतलब कि अगर इंसान मोटा है या फिर ओबेसिटी है तो आपको उसकी वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं। सबसे कॉमन और सबसे पहला साइड इफेक्ट जो ओबेसिटी का है वो है हाइपरटेंशन, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर। ओबेसिटी की वजह से जो आर्टरीज, वेसल्स, जो वेन्स हमारे बॉडी में होती है उन पे का प्रेशर धीरे धीरे मोटापे की वजह से बढ़ने लग जाता है और फाइनली प्रोडक्ट होता है हाई ब्लड प्रेशर। तो मोटापे का एक सबसे कॉमन आउटकम जो है वो है हाई ब्लड प्रेशर। धीरे धीरे ब्लड प्रेशर की वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लग जाते हैं और अदर कॉम्प्लिकेशंस जो ब्लड प्रेशर की वजह से आते हैं वो बीपी के पेशेंट में अक्सर देखे जाते हैं। तो मोटापे का सबसे बड़ा एक आउटकम या फिर बीमारी हम बोल सकते हैं वो है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। दूसरा, हार्ट में ही हमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का भी डर बना रहता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब कि जो हार्ट अटैक होता है उसे ही मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। अब होता क्या है, मोटापे में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट को ब्लड वेसल्स जो ब्लड सप्लाई करते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लग जाता है और धीरे धीरे वो वेसल्स ब्लॉक होने लग जाती है। अब जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाले वेसल्स ब्लॉक होने लग जाते हैं उसके वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होता और उसका इफेक्ट जो होता है वो है हार्ट अटैक, मतलब कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो मोटापे का दूसरा एक कॉमन जो आउटकम है वो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब कि हार्ट अटैक। उसी के साथ दोस्तों हार्ट फेल्यूअर का रेट भी मोटे इंसानों में सबसे ज़्यादा देखने में मिलता है, क्योंकि बॉडी को जो ब्लड सप्लाई होना चाहिए वो मोटे इंसान में कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डिमांड होती है ब्लड सप्लाई और अदर फंक्शंस की। तो धीरे धीरे वो ब्लड सप्लाई जितने अच्छी तरीके से बॉडी में होना चाहिए उतना नहीं हो पाता और प्रेशर बनता है हार्ट पे, उसके वजह से सडन हार्ट फेल्यूअर का भी रेट मोटे इंसानों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। साथ में दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज़ ये भी बहुत कॉमन है ओबेस पेशेंट में। टाइप 2 डायबिटीज़ ये ओबेस पेशेंट, सेडेंट्री लाइफ, इस टाइप के पेशेंट में टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये डायबिटीज़ के वजह से बॉडी में डायबिटीज़ के जो अदर कॉम्प्लिकेशंस है वो भी धीरे धीरे होने लगते हैं और जो रेगुलर लाइफ है, खाने पीने पर रिस्ट्रिक्शन आना, जल्दी थकान हो जाना, चिड़चिड़ाहट हो जाना, ये सब चीज़ें भी उसके साथ में आने लग जाती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ ये भी मोटापे की वजह से एक कॉमन सी समस्या है। साथ ही साथ दोस्तों PCOD ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन परेशानी है। अगर ग्रोइंग गर्ल्स में, खासतौर टीनेजर गर्ल्स में ओबेसिटी रहती है तो वो ओबेसिटी की वजह से PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें दोनों भी ओवरीज में पानियों की गांठें बनने लग जाती है और उसके वजह से बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। फिर माहवारी में परेशानी, माहवारी देरी से आना, माहवारी ज़्यादा जाना, बहुत ज़्यादा पेट दर्द होना, इस टाइप की समस्या गर्ल्स में या फिर टीनेजर्स में बहुत ही कॉमन होते जा रही है, जो कि समस्या होती है PCOD की वजह से। अब अगर बात करें कि फीमेल्स में ओबेसिटी की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, तो दोस्तों जैसे फीमेल्स में डिलीवरी के वक्त बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं ओबेसिटी की वजह से, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, थायराइड की समस्या आना या फिर डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें होती है प्रेगनेंसी के वक्त। और आफ्टर डिलीवरी भी अगर बच्चा भी ओबेस है तो बच्चे को भी ज़िंदगी भर ओबेसिटी की प्रॉब्लम से पीड़ित रहना पड़ता है। और साथ में अगर सिजेरियन होता है तो भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो ओबेसिटी ये फीमेल्स में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है। दूसरा मतलब कि और एक बहुत ही कॉमन सी समस्या हम बोल सकते हैं कि ओबेसिटी की वजह से कैंसर होता है क्या, तो हाँ दोस्तों कोई कोई कैंसर ये स्पेशली ओबेसिटी से रिलेटेड कैंसर है, जैसे कि बच्चादानी का कैंसर, मायोमेट्रियल कैंसर जिसे बोलते हैं, इंडोमेट्रियल कैंसर, ये भी ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, इसोफेजियल कैंसर भी होता है,
गॉलस्टोन कैंसर भी ओबेसिटी की वजह से हो सकता है एंड किडनी कैंसर ऑल्सो। तो ये सारी समस्या हो सकती है ओबेसिटी की वजह से। किडनी के डिसीजेस जैसे कि सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिसीज, ये भी ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक ओबेसिटी रहना, उसके वजह से जो ब्लड सप्लाई है किडनी की तरफ ठीक से नहीं जाता, नहीं पहुंच पाता, और उसके वजह से भी क्रोनिक किडनी डिसीज ऐसे टाइप की बीमारी हमें हो सकती है। डाइजेशन के लिए अगर हम सोचेंगे तो डाइजेशन में फैटी लीवर, ये बहुत ही कॉमन समस्या है ओबेसिटी में। मतलब लीवर में फैट का डिपोजिशन हो जाना, उसके वजह से लीवर के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो डाइजेशन की प्रोसीजर नॉर्मली होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और अपच होना, बदहजमी होना, गैसेस होना, इंडाइजेशन होना, ये सब चीज़ें हमें देखने में मिलती है। उसी के साथ दोस्तों गॉल ब्लैडर के स्टोन्स, ये भी ओबेस पर्सन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओबेसिटी की वजह से भी गॉल ब्लैडर में स्टोन बनना चालू होते हैं। ये सब डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस होते हैं ओबेसिटी की वजह से। तो दोस्तों ये तो था कि ओबेसिटी की वजह से बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, किस समस्याओं को हमें फेस करना पड़ सकता है। मेरे पहले के वीडियो में मैंने ओबेसिटी क्यों होती है, उसके लिए कुछ मेडिसिन ट्रीटमेंट, ये मैंने सारा बताया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद।